अमेरिका के एक महिला ने दूसरे के यूज़ किए हुए कॉन्डम से खुद को प्रेग्नेंट कर लिया और उस आदमी से उसकी संपत्ति छीन ली। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। देखो, शार्क मछली के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, जो बड़े बड़े समुंदरों में पाई जाती है। लेकिन गंगा नदी में एक ऐसी शार्क मछली पाई जाती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। एक हाथी अपने सूंड में कितना लीटर पानी जमा कर सकता है? क्या आपको पता है जब पांडा अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे का वजन कितना होता है? देखो, हम सभी जानते हैं हर चीज का एक न एक अंत होता है, यानी जो शुरू होता है वो आखिरी तक जाके खत्म भी होता है। जैसे मान लो एक पेंसिल है, तो पेंसिल का ऊपरी छोर से लेकर पेंसिल का नीची छोर तक वो उसका अंत है, यानी पेंसिल अब इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। यानी एक और एग्जांपल ले लो, या मान लो कोई सड़क है तो वो सड़क कहीं ना कहीं जाके ख़त्म ज़रूर होता होगा, तो ऐसा ही अंत। तो क्या आप लोग जानते हैं कि धरती का अंत कहां पर होता है? दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब सवाल के आप लोगों को जवाब मिलने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर जरूर सेट कर लेना, क्योंकि अभी हमारा बहुत ही छोटा चैनल है तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका के लॉस वेगास में रहने वाली एक महिला जो होटल में काम किया करती थी, उसने होटल में एक अरबपति के इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम से खुद को प्रेग्नेंट कर लिया और जब बच्चे पैदा हो तो उसने कोर्ट में केस कर दिया और जैसे तैसे लड़के उस अरबपति से उसके आधे हिस्से की संपत्ति छीन ली। गंगा नदी में एक ऐसी अद्भुत शार्क मछली पाई जाती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, और ये शार्क मछली का लुक इतना डरावना है कि इस मछली को देखते ही आपको डर लगने लगेगा। क्या आपको पता है एक हाथी अपने सूंड में 5 लीटर पानी तक रख सकता है? दोस्तों, जब एक पांडा पैदा होता है तो उसका वजन चाय के कप से भी कम होता है, लेकिन जब वही पांडा बड़ा हो जाता है तो उसका वजन 70 से 100 किलोग्राम तक हो जाता है। ससेक्स, इंग्लैंड। दोस्तों, शायद ही कभी आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन यह वह जगह है जिसे धरती का अंत माना जाता है, यानी इसके आगे अब कोई भी जमीन नहीं है। लेकिन जो भी हो, इसी जगह को धरती का आखिरी किनारा माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आता है या थोड़ा सा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और सपोर्ट करो, बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि